हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप HTML, CSS और JavaScript का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल एक सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रही हैं कि ये मैंने HTML, CSS और JavaScript को इस्तेमाल करते हुए क्रिएट किया है। ये बिल्कुल एक सिंपल कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले हम इसका लाइव डेमो देख लेते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि मैं जैसे 1, 2 पे क्लिक करूंगा, उसके बाद जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा भाई 2 के साथ और इक्वल साइड पे क्लिक करूँ, तो आप देख रहे हैं कि जो इसका आंसर है वो आपको डिस्प्ले पे शो हो गया है। सेम है लाइक जैसे मैं सी वाले बटन को क्लिक करूंगा, तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो डिस्प्ले जो हमारा बॉक्स है वो बिल्कुल खाली हो गया है। और अभी हम जो अपनी नई जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक 65 × 5 = 13, ये इसका आंसर आ गया। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल यही क्रिएट करने वाले हैं और ये बिल्कुल एक सिंपल तरीके से हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया करें अपनी आज की इस वीडियो का। लेट्स डू इट। सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें को मैं नाम दे देता हूँ कैलकुलेटर का। ये देख रहे हैं मैंने एक फोल्डर डायरेक्टरी बना ली है जिसका मैंने नाम दे दिया है कैलकुलेटर का। अभी सिंपल मैं यहाँ पे जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है इसको ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्टरी में एक्सप्लोर में क्लिक करके यहाँ पे मैं ओपन फोल्डर को क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप से मैं जो इस फोल्डर का उसको मैं लिंकअप कर लेता हूँ। यहाँ पर इसमें मैं इम्पोर्ट कर देता हूँ। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो कैलकुलेटर का फोल्डर है ये आप देख रहे हैं कि इंपोर्ट हो गया है। अभी इजीली इसमें मैं कोई भी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इंडेक्स जो कि हमारी मेन फाइल है वो क्रिएट करता हूँ .html और उसके बाद मैं जो नेक्स्ट फाइल है वो क्रिएट करूँगा CSS की। यहाँ पे प्लस वाले साइन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं style.css के नाम से फाइल क्रिएट कर देता हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कैलकुलेटर का ये जो फोल्डर हमने बनाया था। आप देख रहे हैं कि वही फाइल जो वहाँ पे मैंने क्रिएट की है यहाँ पे वो बन चुकी हुई है। तो इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ये जो एक्सप्लोर फोल्डर है इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि जो हमारी वर्किंग विंडो है थोड़ी सी वाजिया हो जाए। सिंपल यहाँ से मैं कोडिंग लिखना स्टार्ट करता हूँ। सिंपल बेसिकली जो HTML का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेता हूँ। टाइटल में यहाँ पे मैं कैलकुलेटर के नाम से, उसके बाद यहाँ पे मैं एक फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ। इसमें मैं एक्शन कोई भी क्रिएट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सिंपल मैं इसी का रिज़ल्ट इसी फॉर्म पे इसी पेज पे देखना चाहता हूं। तो इसके लिए यहां पे मैं एक आईडी लिख देता हूं। कैल्क नाम दे उसको मैं यहां पे आईडी दे देता हूं। इसका नेम सबसे पहले मैं रख देता हूं डिस्प्ले और इसकी जो वैल्यू दे देता हूँ 7 दे देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये 7 इसके बिल्कुल बराबर में आ गया है, इसके लिए यहाँ पे इसको ब्रेक करते रहना है जिस पॉइंट से मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। यहाँ ब्राउज़र की अपनी सेटिंग है वो इस पे अफेक्ट ना हो, उसके लिए हम मार्जिन 0 करते होते हैं, पैडिंग को 0 कर देते होते हैं और जो बॉक्स साइजिंग है उसको हम बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं जैसे मैंने इसको 0 किया तो आप देख रहे हैं कि जो एक्स्ट बटन में या कुछ शुरू में कुछ आ रही थी। अगेन मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ एक दफ़ा इसको ये करके। आप देख रहे हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है उसमें ये कुछ यहाँ से स्पेस आ रहा है, कुछ ऊपर से मार्जिन आ रहा है। तो उसके लिए जैसे ही हम इसको मैं अभी अनकमेंट करता हूँ, जैसे मैंने ये 0 किया तो आप देख रहे हैं कि हर चीज़ इसमें से ख़त्म हो गया और हमारा तमाम स्टाइलिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे चले गई है। अभी हम क्या करते हैं, हम जो हमारी इनपुट फीड है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इनपुट का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं जो इसकी विथ है उसको मैं, तो इसका हम जो बैकग्राउंड कलर है
इसको मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। इसमें जो मैं फॉन्ट है, कलर जो है फॉन्ट का, वो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। सॉरी, हैश ट्रिपल F। इसमें जो फॉन्ट साइज है, मैं इसका जो मैं फॉन्ट साइज है वो उसको मैं तकरीबन यहाँ पे 28 पिक्सल सेट कर देता हूँ। बॉर्डर यहाँ पे मैं नन कर देता हूँ। पैडिंग 5 पिक्सल कर देता हूँ, सॉरी पैडिंग नहीं, मार्जिन में यहाँ पे 5 पिक्सल का सेट कर देता हूँ। उसके अलावा जो आउटलाइन है वो कोई भी नन कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि थोड़े जो बटन है वो थोड़ा सा अच्छी शेप में आ गए हैं और एक कैलकुलेटर की शेप टाइप लग रही है। इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिटल इसमें बॉर्डर रेडियस का इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टोटल 5 पिक्सल जो है बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ ताकि पूरा एक बटन की शेप बन जाए। तो यहाँ पे मेरी बटन की स्टाइलिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, जो मेरा जो आईडी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की आईडी रखी थी, ये जो हमारी डिस्प्ले है जिसमें हम ऐड करेंगे, हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। यहाँ पे मैं डिस्प्ले लिखता हूँ, इसकी जो विड्थ है उसको मैं 280 पिक्सल सेट कर देता हूँ ताकि ये जो हमारे बटन है इसके बिल्कुल इक्वल आ जाए। और यहाँ पे इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं इसको थोड़ा सा ना ग्रीन सॉरी कह दिया, थोड़ा सा ब्लू इसको मैं कर देता हूँ, जैसा कि हैश 1F80C9। तो आप देख रहे हैं थोड़ी सी ब्लू लुक आ गई है इसमें। उसमें इसमें जो मैं पैडिंग है वो टॉप बॉटम में 5 पिक्सल कर देता हूँ और लेफ्ट राइट जो है मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। अभी मैं इसमें चेक कर लेता हूँ ज़रा, हाँ 10 कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा आगे चला गया हुआ है 10। इसकी जो हाइट है उसको मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। और जो इसका टेक्स्ट अलाइन है, क्योंकि आपको पता है जो कैलकुलेटर है वो राइट से शुरू होता है, तो इसको मैं राइट कर देता हूँ। अभी आप चेक कर लें ज़रा, बिल्कुल ये ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा सिंपल कैलकुलेटर, ये जो मेरा कैलकुलेटर है, मैं इसको यहाँ पे सेंटर में अलाइन करता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं बॉडी को स्टाइल करता हूँ। बॉडी जो हमारी मेन बॉडी है उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले जो है मैं फ्लेक्स सेट कर देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन, ये दोनों फ्लेक्स में दो एलिमेंट हैं वो आपको देख रहे हैं कि रो की शक्ल में आए हैं, जिसकी वजह से सिंपल कैलकुलेटर हमारी लेफ्ट साइड पे आ गया है और जो कैलकुलेटर है वो राइट साइड पे आ गया। तो इसके लिए मैं इसमें जो फ्लेक्स डायरेक्शन है ना उसको मैं यहाँ पे कॉलम करता हूँ, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट वो रो पे होती है। तो ये सेम उसी शेप में आ गया है। अभी इसके लिए अलाइन आइटम में सेंटर करता हूँ। अब देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तो सेंटर लाइन हो गया, लेकिन ऊपर से जो नीचे वर्टिकली ये जो सेंटर लाइन नहीं हुआ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे विथ और जो बॉडी की हमारी विथ और हाइट है वो मेंशन करता हूँ। विथ में यहाँ पे 100 VW साइन करता हूँ और जो मेरी हाइट है यहाँ पे वो मैं 100 VH करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये परफेक्टली जो मेरा है वो सेंटर में अलाइन हो गया है। तो भी आगे चलते हैं, यहाँ पे जो हमारे जो बेसिक जो स्टाइलिंग थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। अभी मैं यहाँ पे जो हमारे ये जो स्पेशल जो प्लस सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई और जो हमारे डिवाइडेड के
हैं और इज़ इक्वल टू जो सी है, इसको मैं कुछ डिफरेंट तरह के कलर दे देता हूँ ताकि जो हमारी लुक है वो और थोड़ी सी बेटर हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इनको स्टाइल करता हूँ और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं स्टार CC 5C 11 या आप सिंपल ग्रीन कर सकते हैं या कोई भी ऑरेंज कर सकते हैं, जो भी आप लाइक करें। मुझे तो ये लगता है, मैं इसलिए इसका ये स्टाइल कर सकता हूँ। आप कुछ भी अपनी टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ #BA55D3। उसके अलावा मल्टीप्लाई का भी यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ के स्टाइल बैकग्राउंड कलर 7D B1B2। सॉरी यहाँ पे मैं हैश इंक्लूड करना भूल गया हूँ, जिसकी वजह से ये कलर वो शो नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टाइल कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर सिंपल यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ और जो हमारा डिवाइडर का है उसके लिए मैं यहाँ पे स्टाइल बैकग्राउंड कलर सिंपल #CC 0000 रेड कर देता हूँ। बल्कि रेड जो है वो मैं यहाँ पे इसके लिए कर देता हूँ, खतरे का निशान इसके लिए CC 000। तो विजुअल स्टूडियो कोड में एक सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि जैसे ही आप कलर पे अपना कर्सर लेके आएंगे तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का जो है कलर वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एडिटर है, आप इसको यूज़ करें। आप बहुत क्या कहते हैं कि जो इसका फ्रेंडली माहौल है आप उसको बहुत ज़्यादा लाइक करें। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी का जो कलर है वो उसको सेट कर दिया। तो ये कुछ जो हमारी डिज़ाइनिंग पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अभी चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड नहीं की है क्योंकि उसके लिए वन लाइन कोड था, मैंने यही बेहतर समझा कि हम इसी जगह पे इसके आगे जो है वो असाइन कर दें, बजाय इसके कि हम एक सिंपल जो बनाएं और फिर वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए। तो इसके लिए मैंने बेहतर यही समझा कि हम इसी एक ही लाइन पर जो है वो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो रन कर सके। तो उसके लिए मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ कि जैसे ही ऑन क्लिक पे क्या हो कि जो हमारा कैल्क डॉट ये जो हमारा देख रहे हैं फॉर्म कैल्क जो है उसका जो डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल हो जाए, कौन सी वैल्यू है 7। तो यहाँ पे जो मैंने इसकी जो वैल्यू है आप देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से लेके मैंने जो इस कैलकुलेटर का ये जो डिस्प्ले है इसमें मैंने इसकी जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू वो यहाँ पे इसमें मैंने इंसर्ट कर दी है। कब? जब इसको मैं क्लिक करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका जो ऑटो कम्प्लीट है वो ऑफ कर देता हूँ, उसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ जाके ताकि जैसे हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम खुद ब खुद ऑटो कंप्लीट का कोई जो ऑप्शन है वो दे रहा होता है वो इस वक्त ऑफ हो जाए। तो अभी जैसे ही मैं आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं 7 पर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि जो डिस्प्ले की इसमें वैल्यू 7 थी वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो गई है। लेकिन जैसे मैं किसी और बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि मैंने सिर्फ इस पर जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो ऐड की है। तो अभी बारी बारी मैं सब में ये चीज़ ऐड कर देता हूँ, सेम इसी तरह इसमें भी ये बारी बारी मैं इन सब में ऐड कर रहा हूँ।
अच्छा तो ये यहाँ पे मैं वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 8 आ जाता है, यहाँ पे 9 आ जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे 5 आ जाता है, यहाँ पे 6 सब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 0। इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, और इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी 0, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी ये मैं बाद में बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या आएगी। इसको हम क्या कहते हैं डिवाइडेड का ऑप्शन हो जाते हैं, तो बस सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे से यहाँ पे 8। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ जो पहले वाली वैल्यू वो ख़त्म हो रही है, उसकी क्या है तो उसमें मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। आप भी देख लें, इसकी इज इक्वल के पहले प्लस की वैल्यू ऐड करूँगा। इसका मकसद ये है, थोड़ा सा मैं आपको वाजिया कर दूँ कि अगर हमारे पास x इज इक्वल हो 7, तो अगर मैं x प्लस इज इक्वल 2 करूँगा तो फिर इट्स मीन ये है कि x इज इक्वल है x प्लस 2, ठीक हो गया। तो सेम इसके लिए यहाँ पे मैं प्लस इज इक्वल वाला जो फार्मूला है वो यूज़ करूँगा, जैसा कि यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, ये प्लस यहाँ पे देखें जो हमारी सी वैल्यू है इसमें मैं प्लस का एडिशन नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब कोई सी पे क्लिक करेगा तो जितनी भी हमारी वैल्यू होगी वो सबको ख़त्म करके जो हमारी नॉर्मल पोजीशन 0 है या 0 पे आ जाए, या अगर इसको मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ तो वो एम्प्टी कर देगा। उसके अलावा ये 0 वाली ये भी प्लस पे हो जाएगी, और ये जो हमारी वैल्यू है ये भी प्लस में हो जाएगी। इस पे मैंने अभी कोई भी वो चीज़ नहीं की, वो मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं 4, 5, -6, 9, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अभी एज इट एज लिखी गई है। जैसे अभी मैं इस पे क्लिक करूँगा तो वो 7 वाली वैल्यू आ गया जो मैंने ऑलरेडी की हुई थी। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एवेल्युएशन का जो फंक्शन है हमारी जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज़ करता हूँ, EVAL एवेल्युएशन। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो calc.display.value इसकी जो वैल्यूएशन मैं कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं आप देख रहे हैं कि इसको यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँगा। ये लें जी, ये हमारा कैलकुलेटर तैयार हो गया है। अभी मैं सिंपल आपको इसका डेमो भी दे देता हूँ। जैसे कि 14 × 2 = 28, तो ये एक सिंपल सा मेरा ट्यूटोरियल था जिसमें आपने देखा कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कैलकुलेटर बनाने का तरीका बताया। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।